बिहार से ताल्लुक़ रखने वाली मैथिली ठाकुर जो सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर है, और इसके अलावा जो रियलिटी शो हैं, लिटिल प्रोग्राम्स हैं, उनमें काफ़ी पॉपुलर रही थी, और आज राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा जो महोत्सव आयोजित किया जा रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट करने आई हैं। शाम को वो संगीत देंगी। मैथिली काफ़ी पॉपुलर हैं, वो खुद आई हैं, उनसे थोड़ा सा जानना चाहते हैं। काफ़ी कम उम्र है, 19 वर्ष से उनके 2 भाई हैं जो उनका साथ देते हैं म्यूजिक में, और मैथिली सबसे पहले जानना चाहेंगे। राजस्थान में आप आई हो तो राजस्थान की संस्कृति और जहाँ यहाँ संगीत है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि सीखना है या फिर इसमें कुछ गाना गाना चाहेंगे? यहाँ का कल्चर बहुत रिच है। मैं काफ़ी टाइम से राजस्थानी फोक सॉन्ग सुन रही थी, लेकिन कुछ शब्द होते जो समझ नहीं आते, तो मैं काफ़ी इंतज़ार कर रही थी कब राजस्थान जाने का मौका मिलेगा, और आज यहाँ पर मैं परफॉर्म भी करने वाली हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी मैं डीग भी जाऊँगी घूमने के लिए, वहाँ पर भी बहुत मज़ा आने वाला है। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं आपके भजन भी आपके देखते हैं, क्लासिकल जो गाने वो भी देखते हैं, बॉलीवुड के। कितनी भाषाओं में आप गाते हैं? मैं 7-8 भाषाओं में गाती हूँ। फोक म्यूज़िक, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अवधी, उसके पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, ये सब। संगीत जो आपने स्टार्ट किया, गाना शुरू किया, वो कैसे किया, कितनी उम्र होगी, कौन सी पढ़ती होंगी? मैं 3-4 साल की थी, मैंने तब से म्यूज़िक सीखना शुरू किया, और मैंने स्कूलिंग अपनी 6 से शुरू की है डायरेक्ट। हमने देखा 7 मिलियन से ज़्यादा व्यूअर्स हैं जो आपको लाइक भी करते हैं, व्यू भी हैं। आपके 2 भाई हैं तो 2 भाई आप गाती हो तो दोनों भाई क्या करते हैं उसमें? जिस ऋषभ भाई मेरा तबला बजाते हैं और अयाची मेरे साथ गाते हैं, और हम तीनों साथ में इकट्ठे वीडियोस बनाते हैं, कोई और नहीं होता है, मतलब हम ही तीनों हो करके वीडियोस बनाते हैं। अब इसके बाद जिस तरह से आप संगीत में हो, क्या अचीवमेंट जो आपको अभी प्राप्त करना है, एक ड्रीम? ड्रीम है कि संगीत के ही जगत में हमें बहुत कुछ करना है, बहुत राइज करना है, इतना कि सब लोग हमें पहचाने हमारे नाम से, हमारे काम से सब लोग हमें पहचाने, बच्चे से लेके बुजुर्ग। जो सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर हैं और मिलियंस इनके व्यूअर हैं और लोग इनको देखते हैं, और जिस तरह से इनका कहना है कि बिहार से ताल्लुक़ रखती हैं, मैथिली नाम मैथिली भाषा के आधार पर इनके पेरेंट्स ने रखा, और इस छोटी सी उम्र से ये संगीत में लगाव रखने के कारण कई रियलिटी शो में भी ये अपना परफॉर्मेंस दिखा चुकी हैं, आज राजस्थान में आई हैं। जानना चाहती हैं राजस्थान की संगीत को, यहाँ की संस्कृति को।